क्योंकि अभी मीकात नहीं आया। जब मीकात आएगा, मीकात जहां से पाबंदी शुरू होती है, वहां पे अपना सर नंगा करना, यहां ऐलान होगा मकाम में मीकात आ गया, हाजी सरदार तंबिया उतारना शुरू कर दे, सर पे जो टोपी है ना ये भी उतार दे। अब सर नंगा हो गया, कंधा नहीं नंगा करना। वो अभी आते जाते जनक का भी वो मकाम आएगा जहां पे कंधा नंगा करना। सबसे जो पहला काम आपने किया वो था इहराम, दो चादरें मर्दों के लिए, और दूसरा काम तरबिया। अब मक्का मुकरमा में पहुंच गए, वहां आराम कर लिया, वो आपकी मर्जी है, आराम करें ना करें, कर ले तो उसमें बड़ी बेहतरी है, उसे कर लिया। ये तरीका है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर उसके बाद अल्लाह की तौफीक से चलते चलते मस्जिदुल हराम में पहुंच गए। मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम जो है इसके 100 के करीब दरवाजे हैं। सीधा करो, उल्टा करो, मस्जिदुल हराम जो है इसके 100 के करीब दरवाजे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरवाजे से दाखिल हुए, बाबे बनी शैबा बाबू सलाम, तो अब चूंकि इमारत काफी तब्दील हो गई है, वो दरवाजों की शनाख्त और वो मकाम बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो भी दरवाजा मुयसर आए वहां अल्लाह के घर में दाखिल होना है और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़नी है। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, जैसे हम यहां अपनी मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनल अज़ीम व बिवजहिहि करीम व सुल्तानिहि क़दीम मिनश शैतानिर रजीम بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك। مسجد میں داخل ہونے کی دعا، جس طرح دوسرے اللہ کے گھر ہیں اسی طرح مسجد الحرام میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ اور عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جب پہلی نظر پڑے، پہلی نظر خانہ کعبہ کو دیکھ کر، تو وہاں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ بھائیو یہ طریقہ سنت نہیں، حج کے سفر میں، عمرہ کے سفر میں ہم جتنے دن بھی وہاں ٹھہرے گے، 20 دن ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، اور جو بھی دعا مانگیں گے اللہ ہر دعا ہی قبول فرمائے۔ پہلی نظر پڑے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد الحرام میں داخل ہونے سے پہلے باب وضو ہو، باب وضو، وضو اپنا کر کے اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے، اور وہاں عام طور پر آپ نے سنا ہے کہ جوتا گم ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کا جوتا پہنے۔ بھائیو سن لو، کسی بھی دوسرے کا جوتا پہننا حرام ہے، کسی بھی دوسرے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے گھر سے ایک دو تین بستے بنا لے چھوٹے چھوٹے، اپنے گھر سے وہ بستہ ایسا ہوگا جو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا، وہ بالکل الگ الگ ہوگا، اس میں اپنا جوتا رکھے اور اس کو کسی محفوظ مقام پہ رکھ دیں۔ جو بستہ، جو بیگ بازاروں اور دکانوں سے ملے گا وہ دوسروں
जाएगा और फिर नुकसान होगा और फिर इंसान गलती भी करेगा, गुनाह भी करेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के घर में दाखिल हो गए, अगर किसी नमाज का वक्त है तो सबसे पहले नमाज अदा करें, तल्बिया पढ़ते रहे, अल्लाह के घर में दाखिल हो गए, वुजू पहले बना लिया। अब उमरा के लिए जो पहला काम था इहराम, दूसरा काम तल्बिया और तीसरा काम है बैतुल्लाह का तवाफ। तवाफ के लिए लाजम है कि इंसान बावजू जिस तरह नमाज है अब तवाफ को हौल काबा दे जो नमाज की हालत है, नमाज के लिए वुजू करना लाजम है, इसी तरह खाना काबा का तवाफ करने के लिए वुजू करना लाजम है। वुजू के बगैर तवाफ नहीं होता, तवाफ बैतुल्लाह का वुजू के बगैर नहीं होता। तो भाइयों, अब हम तवाफ शुरू करते हैं। तो तवाफ के लिए मर्दों के लिए ये लाजम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप अपना कंधा नंगा करके दायां कंधा, आप कंधा नंगा करना जब तवाफ शुरू करना। इससे पहले जब मीकात में या जद्दा में या मक्का मुकर्रमा में वो कंधा नंगा नहीं करना, जब बैतुल्लाह का तवाफ शुरू करते हैं तो फिर कंधा नंगा करना। इसके लिए जैसे पहले अर्ज किया कि आपके वुजू करना शर्त है और इस तवाफ की इब्तिदा हजरे असवद से होती है। हजरे असवद ये बैतुल्लाह का दरवाजा है, ये हजरे असवद का कोना है। यहां से हजरे असवद जो है ये पत्थर है जो जन्नत से उतरा और इसका इस्तेलाम, इस्तेलाम के तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हजरे असवद को चूमा जाए, उसको गुस्सा दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि हाथ लगा के हाथ को गुस्सा दे दे, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा ये है कि अगर रश है, भीड़ है, तो दूर से कह दे अल्लाहु अकबर, बस अल्लाहु अकबर, इस तरह से। अब आपको नहीं छूना क्योंकि हाथ लगा देगा हजरे असवद, अगर हाथ लग गया तो आपको गुस्सा दे देंगे, अगर हाथ नहीं लगा तो अल्लाहु अकबर। अब तवाफ शुरू होता है, कंधा नंगा कर लिया, तवाफ से पहले कंधा नंगा नहीं करता, सिर्फ तवाफ के अंदर सात चक्कर है। इसमें पहले तीन चक्कर जो मेरे हैं मर्दों के लिए रमन, रमन सलासा व मशाअरबा, रमन सलासा व मशाअरबा। पहले तीन फेरों में अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा दौड़ते जैसे पहलवान होते हैं, पहलवानों की तरह मजबूती के साथ छोटे छोटे कदम उठा के रमादा सलासा तीन चक्कर जो है तवाफ में, वो पहले कंधा नंगा है सातों चक्करों में बावजू है और पहले तीन फेरे आहिस्ता आहिस्ता, यहां से आपने शुरू करना है तवाफ, तो यहां से दौड़ना शुरू करना है इस तरह और दुआ पढ़ते जाएं, जो दुआ याद है सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इस तरफ हदीम है, हदीम भी खाना काबा का हिस्सा है, जिसको कुरैशियों ने बनाया तो उसको बाय कर दिया, अल्लाहु अकबर सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलते चलते ये रुकने की मानी है। यहाँ पे सिर्फ हाथ लगाना है बस, अगर हाथ लग जाए तो फाबे, अगर राश है हाथ नहीं लगता
यहां उठने की वाणी से लेकर हजरे अश्वत तक जो दीवार है इसमें एक जवाब खास है, रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाब। बाकी जो तीन अतराफ है वहां जो दुआ याद है वो पढ़ सकते हैं, कोई दुआ खास नहीं कि ये दुआ पढ़ो। आम लोग ये कहते हैं कि ये दुआ दूसरे चक्कर की, ये दुआ तीसरे चक्कर की, ये दुआ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। सिर्फ रुकने जमानी से हजरे अस्वद तक की जो दीवार है यहाँ पे एक दुआ खास है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाब अन्नार। बाकी जो तीन अतराफ है अरबी में पढ़ ले, पंजाबी में या अपनी जुबान में जो दुआ मांगना चाहते हैं मांग लें, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं या दूसरे बात पढ़ते जाए, जो आसानी है जो याद है वो पढ़ते जाए। सिर्फ इस दीवार में रब्बाना आतिना तो पहले चक्कर की ये दुआ, दूसरे की ये दुआ, तीसरे की ये दुआ, चौथे की, ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ यहाँ पर रब्बाना आतिना फी दुनिया टुकड़े जमानी से लेकर हजरे अस्वद तक, इसी तरह हम रामाना सलासा इस तरह छोटे छोटे कदम उठा के दौड़ते जाए। ये जो दौड़ है ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है, और कंधा कंधा करना ये भी मर्दों के लिए है, ये सिर्फ तवाफ है। पहले तीन फेरे हमने दौड़ के आहिस्ता आहिस्ता लगा लिए, बाकी जो चार चक्कर है वो आम चाल है, आम चाल जिस तरह इंसान चलता है। जो दुआ चाहे पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप को माफ फरमा, या अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नेक बना, जो दुआ चाहे पढ़ ले, जो याद है यहाँ पे आके रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाब अन्नार, इस सारी दीवार में इसको सिर्फ बात लगाना है, ईमानी को लग जाए ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं। हजरे अस्वद का इस्तेमाल हर वक्त, जैसे कि अर्ज किया कि तीन तरीके हैं, हजरे अस्वद को गुस्सा दे दें और रश बहुत ज्यादा होता है, झगड़ना नहीं, किसी को धक्का नहीं देना, धक्का देना यहाँ आपके शहर में भी हराम है, हमारे शहर में भी हराम है, और मक्का मुकर्रमा में बहुत ही ज्यादा हराम है, इसलिए दूर से इशारा कर दें अल्लाह हू अकबर। बस तीन फेरे दौड़ के फिर चार फेरे जो है वो आम चाल चल के यहाँ पर कोई दुआ हर फेरे में और बाकी जो याद है वो पढ़ लें। हाँ तो ये जगह जो है ये वो इंतजाम है, हजरे अस्वद से लेकर ये दरवाजा बैठने का इतनी जगह, ये थोड़ी सी जगह है, यहाँ तीन चार आदमी एक कमरे में खड़े हो सकते हैं, वहां पर खड़े होकर इससे चिमट कर दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से माफी मांग सकते हैं, ये वो इंतजाम है। बाकी बैतुल्लाह के चारों तरफ किसी जगह चिमटना और साथ लगना और चिमट के दुआ मांगना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं, सिर्फ यही जगह है मुल्तज़म। वो मकामे इब्राहिम है सुनैर नाम का, वहाँ पे बैतुल्लाह शरीफ में उसको भी चूमना नहीं है, वो मकामे इब्राहिम है, उसके पीछे जाके दो रकअत नमाज पढ़नी है। जब चार फेरे आम चार चार से लगा लिए उसके बाद फिर अपना कंधा डांप ले। भाइयों ये याद रखें कि कंधा नंगा करना सिर्फ तवाफ में है, और वो भी पहले तवाफ में, जो तवाफ में जो उम्रे का तवाफ है उससे पहले कंधा नंगा नहीं करना, उसके बाद कंधा नंगा नहीं करना, और सिर्फ इसी जगह आमतौर पर जो हाजी साहबान है बहुत बड़ी तादाद में वो हमेशा ही कंधा नंगा रखते हैं, और हदीस में आता है कि अगर कंधा नंगा हो
हमेशा इसमें नमाज पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जब हमने सात फकीरे मुकम्मल कर लिए तो फिर एक आयत कलिमा पढ़ेंगे, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और मकाम इब्राहीम को चाहे नमाज पढ़ा, मकाम इब्राहीम के पीछे हट जाए, यहाँ आके दो रकअत नमाज पढ़े। यहाँ सामने मकाम इब्राहीम है, आगे अल्लाह का घर है, तो पीछे जहां भी जगह मिले दो रकअत नमाज पढ़ लें। इन दो रकअतों में पहली रकअत में सूरतुल काफिर होती है, ये की फरमाया हमारे साहब ने, सात सात दो नंबर पढ़े, हाँ फिर दो नंबर पढ़े, और पहले की आयत पढ़नी है जो अभी आप भाइयों को सुनाई है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और गंदा काम लेना दो रकअतों में, पहली रकअत में सूरतुल काफिरून सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला माशाल्लाह।
जी 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 माशाल्लाह। हाँ भाई ने बड़ा ही अच्छा स्वाद लिया, तशरीफ रखे जेडे भाई अगे ना बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया। मेरे पिछले साथी परेशान खड़े रहे दुनिया के काबिलों को शिकस्त दी है। ये
यहूदियों को, मुनाफिकीन को, मुशरिकीन को। तो ये दुआ जो भाइयों को पढ़ के सुनाई है, ये तीन मरतबा पढ़नी है। पहले एक दफा पढ़े, फिर हाथ उठा के दुआ मांगे, दुआ पढ़े, फिर हाथ उठाए दुआ मांगे, मुंह पढ़ना काबा की तरफ। फिर तीसरी मरतबा ये दुआएं पढ़े, हाथ उठाए दुआएं मांगे। ये काफी मेहनत तलब काम है, आप थक जाएंगे और आपकी जो ये टांगों की हड्डियां, इनमें शदीद दर्द शुरू हो जाएगी। पीछे 30-35-40 घंटे का सफर किया है, ये जो सफर है ये भी तकरीबन 5-6 किलोमीटर का सफर है। बैतुल्ला का तवाफ है, सफा मरवा की सही है। तो जो दर्द की गोलियां हैं उसका नाम क्या है? दर्द की गोली, हाँ जी, पैर का दर्द, वो यहीं से अपने साथ ले जाए, कोई बुखार की हल्की फुल्की दुआ। तो यहाँ पे खड़े होके ये दुआ तीन मरतबा पढ़ के फिर दुआएं मांगनी है। ये काफी सबर तलब काम है, इसमें काफी वक्त लगता है, काफी मेहनत लगती है, काफी थकावट होती है। आमतौर पर जो हाजी साहबान है वो क्या करते हैं, छोटियां देखिया ना, बच्चे गिट्टी खेलते हैं, मीट उधर गए उधर गए, तो लोग दौड़े भागे दौड़े भागे, ना खड़े हुए ना दुआ पड़ी। 90-95% हाजी साहबान ऐसे हैं जैसे मीठी खेल रहे, भाई वो दुआ पढ़ेंगे तो स्वाद मिलेगा। तो ये काफी वक्त लगता, दुआ पढ़ के तीन मरतबा जो आपको सुनाई है, दुआएं मांगते रहे दुआ पढ़ते रहे, दुआएं मांगते रहे दुआ पढ़ते रहे। फिर यहाँ से हमने चलना है मरवा की तरफ, सफा से मरवा की तरफ तकरीबन 350 मीटर का फासला है। यहाँ से हम चाल चले, जो दुआ याद है पढ़ते जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रास्ते में सबर लाइटें आती हैं, यहाँ से दौड़ना शुरू कर दें, औरत भी और मर्द भी। इसलिए कि यहाँ से जो दौड़ है इसका आगाज अम्मा जी हाजरा से हुआ है, और वो एक खातून थी, औरतों ने भी मर्दों ने भी यहाँ सबर लाइट आएगी तो दौड़ना शुरू कर देना तेज के। दूसरी शब्द लाइन तक फिर आप चाल शुरू कर दें, हत्ता कि यहाँ मरवा पर पहुंच जाए। ये भी छोटी सी पहाड़ी है, इसका निशान बाकी है, और बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके वही दुआएं पढ़े जो सफा में पढ़ी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हमदु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده। ये दुआ पढ़ ली, फिर हाथ उठाए दुआएं मांग ली, एक छोड़े, फिर ये दुआ पढ़ी, फिर हाथ उठाए दुआ मांगी, फिर ये दुआएं पढ़ी, फिर दुआएं मांगी। काफी मेहनत वाला काम है, स्वाब भी तो बढ़िया ना, इस तरह गुलाम से पाक हो जाओगे जैसे आज दुनिया पे आया। तो ज्यादा लोग इस तरह नहीं करते, तो अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे वही दुआएं और जिक्र जो सफा में किया था, अब यहाँ से वापस चल पड़े, जब शब्द लाए जाए फिर दौड़ना शुरू कर दे, दूसरी शब्द लाए तक दौड़ते रहे, फिर आम चाल चलते रहे, फिर सफा में आते। हाँ, दरमियान में जो दुआ याद आए पढ़ते रहे, कलमा पढ़ ले, दुरूदे पाक पढ़ ले, जब सफा पे आए फिर वही अमल करना जो पहली मरतबा किया था। तो थकावट की डबल गोलियां साथ ले, डबल सिंगल के बजाय, क्योंकि बहुत ज्यादा थक जाता है। ये बड़ा मेहनत का काम है। अल्लाह ताला हम सब को अपने घर की ज्यारत नसीब फरमाए और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उची आगे का फरमाए ये साथ ही आप ये रवाज कर दे। अच्छा जी, फिर वही जिक्र और दुआएं जो पहले मरतबा पढ़ी थी, फिर इसी तरह मरतबा पे वही जिक्र वही दुआएं जो पहले मरतबा, तीन मरतबा दुआ, तीन तीन तीन, ये 21 मरतबा हो जाएगी। हाँ, सफा से मरवा जाना एक किया, मरवा से सफा दो, आने जाने के दो, आने जाने के फिर दो, फिर जाने का एक, आखिरी फेरा जो है वो
यहाँ से दौड़कर जब चलेंगे यहाँ मरवा पे आपके साथ का चक्कर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभा से शुरू किया था ना, तो मरवा पे आपके खत्म हो जाएगा। जब सातवां फेरा खत्म होगा फिर तो आगे बढ़ लो, क्योंकि सात मरतबा तो आप पूरी हो चुकी है। तो भाइयों उम्र के अंदर कुल छह बातें मैंने आपसे अर्ज करनी थी। पहला काम इहराम का, दूसरा तल्बिया का, तीसरा तवाफ का, चौथा मकाम इब्राहिम पे दो रकअत नमाज का, और पांचवा सफा मरवा की सई, छठा और आखिरी काम बाकी है, उसके बाद इंशाल्लाह वक्फा हो जाएगा, फिर खाना मिलेगा, फिर नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हज का बयान होगा। तो मेरे भाई नमाज के बाद बैठेंगे ना इंशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी छाता कर तो पांच काम मुकम्मल हो गए। अब छठा काम और आखिरी वो मर्दों और औरतों के लिए फर्क है। मर्दों के लिए अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की है, अल्लाहुम्मा मिन मुहल्ले की, अल्लाहुम्मा मिन मुहल्ले की, अल्लाहुम्मा मिन मुहल्ले की, या अल्लाह हलक कराने वालों पर रहमत फरमा, टेंड कराने वालों पर रहमत फरमा। लोगों ने कहा वल मुकस्सरीना, जो अपने बाल छोटे कराते हैं, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा आपने ये दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा मिन मुहल्ले की, या अल्लाह टेंड कराने वालों पर रहमत फरमा, हलक कराते हैं। ये मर्द है, मर्द जो है अपने सर के बालों की टेंड करा देंगे, और औरतें जो है वो अपने बाल सारे मुकम्मल पकड़ के पीछे से, साथ कोई दूसरी औरत है या भाई है, बाप है, खामंद है, बेटा है, या खुद ही पीछे से थोड़े से बाल काट लें ताकि सुन्नत पूरी हो जाए। तो मर्दों के लिए अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मर्तबा ये दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा मिन मुहल्ले की, अल्लाह रहमत फरमाए हमारे शेख हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप अक्सर भाइयों का नाम जानते होंगे। तो लोगों ने ना आपसे मसला पूछना कि सर की बालों की टेंड कराए या बाल छोटे करा लें, तो आपने फरमाना कि जो हराम हलक है वो लोग रोजाना करते हैं, हराम हलक दाढ़ी मूंड कर, हराम हलक ते रोज करते हो ते ए ते सुंदर हराम हलक। तो मेरे भाइयों इसमें बड़ी बरकत है, बड़ी इसमें दुआ है अल्लाह पर अपील करने की। अब मर्दों ने अपने बाल ट्रिम करा ली, औरतों ने अपने बाल काट लिए, अब ये छठा और आखिरी काम था उमरा। इसके बाद उमरा मुकम्मल हो चुका, अल्लाह ताला मुबारक करे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। भाइयों ने बड़े प्यारे सवाल किए हैं। एक तो ये सवाल किया है कि हजरे अस्वद का इस्तेलाम कितनी बार है, एक ये सवाल किया है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या सिर्फ अल्लाहु अकबर। तो भाइयों अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ यही साबित है अल्लाहु अकबर। जैसे हम अजान शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर,
बिस्मिल्लाह जो है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह से मुझे कोई अदावत नहीं, लेकिन यहाँ लफ्ज़ है ही इतना अल्लाहु अकबर। जब इस्तेलाम करना है हजरे अस्वद का, एक बात तो ये हो गई, दूसरी गुजारिश के कितनी मर्तबा, तो उसका जवाब ये है कि 7 फेरे हैं बैतुल्लाह के तवाफ़ के, तो 7 मर्तबा ही इस्तेलाम करना है। ये भाई के दूसरे सवाल का जवाब हो गया। तीसरा जो भाईजान ने सवाल किया है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ना भाई इसको इतना ही रखना है जितना है, सिर्फ अल्लाहु अकबर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हदीस में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तलबिया पढ़ते तो तलबिया इतना ही था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्नियमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इतना तलबिया। और जो मुशरिकीन थे वो इसमें इजाफा करते, वो क्या करते, इल्ला शरीकन तमलिकुहू वमा मलक, या अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय उस शरीक के जिसे तू खुद अपना शरीक बनाता है। ये मुशरिकीन आगे इजाफा करते, तो इजाफा नहीं करना, जितना अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है सिर्फ उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। जी मुकाम इब्राहिम तो वापस आके फिर इस्तेसलाम करना था फरमाया। हाँ जी, हाँ फिर कितने इस्तेसलाम हो गए? जी जी जी, मैं अर्ज़ करता हूँ तवाफ में चूँकि 7 फेरे हैं ना, तो 7 दफ़ा ही इस्तेलाम है। जो मुकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज पढ़ के फिर जमजम का पानी पी के फिर हजरे अस्वद का इस्तेलाम करना है, ये अगला हिस्सा है। फिर हजरे अस्वद का इस्तेलाम अल्लाह के पाक पैगंबर ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर आप सफ़ा की तरफ चले गए, वो यानी अगला हिस्सा है। तवाफ में 7 मरतबा। उम्रे में कितने इस्तेलाम है? जी 7 वो हो गया ना, और वो आ गया। जी जी, ये भी हिस्सा है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 7 ही आ रहा है, ये उम्र का या क्या बात है, आप भी आ रहे हैं उसके बाद एक दफा फिर प्लान करके फिर तबाब में इब्राहिम के जाकर पाते हैं। नहीं 7 फेरे हैं ना, तो 7 मर्तबा इस्तेलाम करने हैं बस, 7 मर्तबा इस्तेलाम करके फिर हजरे मकाम इब्राहिम की तरफ चले जाएं, और ये आयत पढ़ें वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तशरीफ रखें। हाँ हाँ भाई ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है और बड़ी अच्छी बात फरमाई है कि जो मताफ का हिस्सा है जहाँ लोग तवाफ़ कर रहे हैं उसको छोड़कर पीछे चले जाएं, जहाँ रश ना हो वहाँ जाके 2 रकअत नमाज पढ़ लें। ये भाइयों को एक कागज़ दिया जा रहा है, इस पर उमरा के 6 जो रुकन बयान किए हैं और हज का तरीका भी दर्ज है, वो भी इंशाल्लाह। भाई कहते हैं अभी वक्त बाकी है तो अभी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ना बस एक हाथ जो है ना इसे इशारा करना है अल्लाह हू अकबर बस, नहीं नहीं ये कोई जी चेहरा भी करें हजरे अस्वद की तरफ। जी हमारा वुजू खत्म हो जाता है तो हम वुजू करते हैं तो क्या 2 रकत उसके तहियतुल वुजू के पढ़ेंगे?
सवाल के जवाब तो बाद में सवाल आखिर तक ठीक है। बातों के नाम सुना दे इस तरफ से छह चीजों का जो जिक्र किया है ठीक। ये भाई सारे जो दाएं तरफ है ना ये उठकर इस तरफ आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह आप उठकर इधर तशरीफ लाएं। हाँ जी छह बातें जो जिक्र की हैं जी। नंबर एक इहराम जी। नंबर दो जी। नंबर तीन तवाफ करना। नंबर चार जी। हाँ जी और टेंड कराना। माशाल्लाह अल्लाह आपको बरकतें नसीब फरमाए। आठ तारीख फिर नौ दस ग्यारह बारह तेरह और तेरह तारीख को मुकम्मल हो जाता है तो ये इंशाल्लाह दिनों के हिसाब से मैं भाइयों से अर्ज़ करूँगा। उम्रा जो है ये तो सारा साल ही हो सकता है और अल्लाह तौफीक अता फरमाए रमज़ान में अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल उम्रा तो फी रमज़ान ता दिलो हज्जतन। उम्रा जो है रमज़ान में ये हज के बराबर सवाब है। तो भाइयों जिस तरह उम्रा के अंदर हमने छः बातों का तस्करा किया इस तरह हज में छः दिन हैं आठ ज़ुल्हिज्जा और नौ और दस ग्यारह बारह और तेरह छः दिन में हज मुकम्मल हो जाता है। तो वो जो छः दिन का हज का बयान है वो इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद अर्ज़ करेंगे। अब हम मदीना मुनव्वरा की चंद बातें करते हैं। मदीना मुनव्वरा जो है ये हरम वाला शहर है बड़ा अल्लाह ताला की रहमतों वाला शहर है और वहाँ अपने आप को बड़ी एहतियात से रखना है। मदीना मुनव्वरा में जब इंसान दाखिल होता है तो दाखिल होने से पहले सड़क के ऊपर शहर से बाहर ही एक बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा बोर्ड है। उस बोर्ड के ऊपर एक हदीस लिखी हुई है अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है मदीना शरीफ में दाखिल होने से पहले। वो हदीस मुबारक क्या है सुन लो मेरे भाइयों। वो हदीस ये है जो भाई जाते हैं वो हदीस मुबारक पढ़ते हैं बहुत बड़ा बोर्ड है उसके ऊपर हदीस पाक लिखी हुई है अल मदीना तो हरमुन मा बैन ऐरिन इला सौरिन। ऐर और सौर ये दो पहाड़ हैं मदीना मुनव्वरा में। एक गारे सौर है मक्का मुकरमा में और दूसरा जो सौर है वो मदीना मुनव्वरा में है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मदीना जो है मदीनातुल मुनव्वरा ये हरम है। हरम इसकी शान ये है कि इस शहर में मदीना मुनव्वरा में दज्जाल नहीं दाखिल हो सकता। दज्जाल जो कुर्बे क़यामत आएगा बहुत बड़ा फितना होगा दज्जाल का वो मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो मदीना शरीफ जब जाएं अल्लाह हम सब को बुलाए तो नियत ये करें
کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, مسجد نبوی کی, کیونکہ حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, صرف تین مساجد ایسی ہیں جن کی طرف رخت سفر باندھا جا سکتا ہے, مسجد الحرام, مسجد نبوی اور مسجد الاقصی. تو مسجد حرام کی تو اللہ نے زیارت نصیب فرمائی ہے, مسجد نبوی کی بھی, اور آپ دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے, اللہ ہم سب کو مسجد اقصی میں بھی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. تو مسجد نبوی کی نیت کر لیں, مسجد نبوی میں جانے کی نیت کر لی. اب وہ حدیث پاک جو لکھی ہوئی ہے بورڈ پر, وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, فمن احدث فیہا حدثاً او آوا محدثاً فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل. جو آدمی مدینہ منورہ میں کوئی بدعت کرتا ہے یا کسی بدعتی آدمی کو پناہ دیتا ہے, اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. اللہ تعالیٰ اس کی فرضی نماز قبول نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ اس کا نفل بھی قبول نہیں کرتا. تو بھائیو بڑی احتیاط سے, بدعت ہر جگہ ہی حرام ہے, خاص الخاص مدینہ منورہ میں حرم ہے. حدیث لکھی ہے بورڈ کے اوپر بہت بڑی, مدینہ شریف سے باہر ہی. اب مسجد نبوی کا جو محراب ہے, محراب کے اوپر ایک حدیث پاک لکھی ہے, صلاۃ فی مسجد ہذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ. مسجد نبوی کی ایک نماز دوسری مساجد کی ہزار نماز سے بہتر ہے. ہزار نماز والی جو حدیث پاک ہے وہ مسجد نبوی میں محراب کے اوپر لکھی ہوئی ہے, اور یہی حدیث پاک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. مسجد نبوی میں داخل ہوئے, مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی اور نماز کا وقت ہے, نماز پڑھ لی, نماز با جماعت ادا کریں, اور ہزار نماز سے بہتر ثواب ہے. جس طرح مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھو تو لاکھ نماز کا ثواب ہے, اور جماعت سے پڑھیں تو 27 لاکھ ہے. اور پانچ نمازیں ایک دن میں مسجد الحرام میں پڑھیں با جماعت تو 1,35,00,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے. اور مسجد نبوی میں ایک نماز ہزار نماز سے بہتر ہے, اور جماعت سے پڑھو 27,000, اور پانچ نمازیں 1,35,000 نمازوں سے بہتر ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے بھائیو مدینہ شریف میں سب سے جو بڑی مسجد ہے مسجد نبوی ہے, وہاں انسان نمازیں پڑھتا ہے با جماعت. ایک بات لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے کہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں, 40 نمازیں, وہ بات غلط ہے. وہ قرآن مجید میں کوئی نہیں, حدیث پاک میں کوئی نہیں. اصل حدیث پاک اس طرح ہے, من صلی للہ 40 یوماً یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. جو آدمی 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولی سے پڑھتا ہے, اپنے شہر میں پڑھ لے, لاہور شہبورا میں پڑھ لے, 5 نمازیں تکبیر اولی کے ساتھ 40 دن جو پڑھے گا اللہ اس کو 2 انعام دے گا. پہلا انعام اللہ پاک اسے منافقت سے پاک فرما, دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. تو میرے بھائیو مسجد نبوی میں جتنی نمازیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے وہ 40 ہو جائیں, وہ 80 ہو جائیں, وہ 100 ہو جائیں, وہ 20 ہو جائیں, 10 ہو جائیں, جتنی اللہ نصیب فرمائے اس میں خیر ہے. 40 نمازیں پوری کرنا یہ کوئی حدیث پاک نہیں ہے. مسجد نبوی میں آپ جانتے ہیں ایک حصہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے,
जन्नत के बागों में से एक बाग है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना जो है मस्जिद नबवी का हिस्सा, उसके जो मसल्ले हैं कलीन, उनका रंग दूसरी मस्जिद के कलीनों से और मसल्लों से मुख्तलिफ है। वो इंसान जब नीचे देखेगा उसको शनाख्त होगी, वो पहचान जाएगा। इसी तरह जो सतून है, सतूनों का रंग भी अलग है, रियाजुल जन्ना। अब वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, और अल्लाह ताला की जो जन्नत है उसके बारे में अल्लाह ताला का ऐलान है, मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम मांगो, जो चाहो, जन्नत में जो चाहो वही मिलता है, और रियाजुल जन्ना में जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो जन्नत का हिस्सा है ना। तो बड़ी बाबरकत जगह है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वहाँ पे जाएं तो जो नमाज में तशहुद में दुआ पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, ये दुआ पढ़ लें, या जो कब्रिस्तान जाने की दुआ है, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार, इसमें या नहीं है, या का लफ्ज इसमें नहीं है, मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम ललाहिकून, ये दुआ पढ़ लें। और याद रखो, यहाँ पर दुरूद पाक पढ़ो या मदीना शरीफ में, अल्लाह के फरिश्ते उसका सवाब इंसान के नामा अमाल में लिखते हैं, और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना यहाँ से कोई दुरूद पाक सुन लेते हैं और ना मस्जिद नबवी से, अल्लाह ताला ही पहुँचाने वाला है। तो आप अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक की ज़ियारत की जितनी भी रवायात हैं सब की सब ज़ईफ है, उनमें से एक भी सही नहीं। इसके साथ वो मकबरातुल बकी है, बकी का कब्रस्तान है, वहाँ पे इंसान जा सकता है, सहाबाए किराम की कब्रें हैं वहाँ पे, यही दुआ जो कब्रस्तान में जाने की दुआ है इंसान पढ़ सकता है। और जो ख़ास ज़ियारतें हैं मदीना मुनव्वरा में, एक मस्जिद कुबा है, मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा जो है ये मस्जिद नबवी के करीब ही है, इंसान पैदल भी जा सकता है, वैगन पर भी जा सकता है। मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इंसान वुजू अपने घर से करके जाएगा, वुजू मन तवज्जा फी बैतिही थुम्म खरजा इला कुबा, ये हदीस सुनन इब्ने माजा में है, सुनन इब्ने माजा। जो आदमी अपने घर में वुजू करता है, अगर मस्जिद कुबा में जाके वुजू करेंगे तो सवाब उतना नहीं मिलेगा जितना घर से वुजू करने का सवाब है। वुजू अपने कमरे से कर लें, मस्जिद नबवी से कर लें, वुजू करके कुबा चले जाएं, वहाँ जाके नमाज पढ़ें, तो नमाज पढ़ना वहाँ अल्लाह ताला उम्रा के बराबर सवाब अता फरमाता है। एक ये मस्जिद कुबा है। दूसरी जो मस्जिद है वो किबलातैन है। किबलातैन मस्जिद कौन सी है कि जिसमें अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में किबला तब्दील हो गया। पहले जो था किबला वो इस तरफ था, अल्लाह पाक ने इस वाक़या को दूसरे पारे के शुरू में बयान फरमाया कुरान मजीद में, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज के अंदर ही किबला तब्दील होने का हुक्म आ गया, तो सहाबाए किराम ने अपने चेहरे इस तरफ को कर लिए, क्योंकि मदीना शरीफ से जो मक्का मुकरमा है खाना काबा वो इस तरफ है, तो नमाज के अंदर ही। ये मस्जिद जो किबला तैन है, ये मस्जिद इसकी इमारत, ये बहुत बड़ा दरस है, सबक है। सबक क्या है? इधर फरमाने मोहम्मद हो उधर गर्दन झुकाई हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ही हुक्म मिला है फौरन उस पर अमल किया है। ये नहीं है कि कल करेंगे। मेरे भाइयों, कल का जो लफ्ज़ है ये बहुत बड़ा धोखा है। और जो मस्जिद किबला तैन है वो सबक देती है, मस्जिद की इमारत, मस्जिद की दीवार,
کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے فوراً اس پہ عمل کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اگر مسجد قبلہ تعین کی زیارت کریں تو یہ سبق اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور شہدائے احد کا قبرستان ہے، وہاں انسان جا سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے۔ تو بھائیو، یہ مدینہ منورہ کی چند ایک زیارات ہیں، اور یاد رکھیں ہر قسم کی بدعت سے بچیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ فرضی عبادت قبول کرے گا اور نہ نفلی۔ مسجد نبوی کے اندر ہر زبان میں درس ہو رہا ہے، فارسی میں، اردو میں، عربی میں ہم درس سن سکتے ہیں، اللہ کے پاک نبی کی پیاری باتیں سن سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا وقت بازاروں میں بالکل ضائع نہ کریں، مسجد میں، اللہ کے گھر میں نماز، نوافل، تلاوت، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ کھانے اور نماز کا وقفہ ہوگا۔ مدینہ منورہ کی زیارت کے متعلق چند باتیں عرض کی ہیں، انشاءاللہ کھانے اور نماز کا وقفہ ہوگا، پھر حج کا بیان ہوگا، اور اس میں 6 دن کا بیان آئے گا۔ ذوالحجہ 9, 10, 11, 12, 13، جس طرح عمرہ میں 6 باتوں کا ذکر کیا، اس طرح حج میں 6 باتوں کا۔ آپ بھائیوں کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، اگر کچھ وقت میں تاخیر ہو جائے تو آپ میرے بھائی غصہ تو نہیں نہ کریں گے انشاءاللہ، اور بد دعا نہیں دینی۔ جب یہاں سے واپس جائیں تو دعائیں دیتے ہوئے، آپ کی دعا لینے آئے ہیں، بد دعا نہیں دینی کہ مولوی صاحب نے ہمارا وقت بہت کھایا ہے۔ تو بھائیو دعا دے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ لو ابھی نماز اور کھانے کا وقفہ ہے، پھر اس کے بعد 6 دن حج کا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد سوال جواب کی نشست ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آپ کے پاس ہی ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اولی الالباب، حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جو آدمی ان میں حج کو فرض کرتا ہے، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی بیہودہ کام کرنا ہے، نہ ہی نافرمانی والا کام، اور نہ ہی جھگڑا۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اپنا زاد راہ ساتھ لے کے چلا کرو، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ عزیز بھائیو، حج میں جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی امتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ اللہ پاک نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائیں، یہ تقوی ہے۔ حج کے متعلق ابھی انشاءاللہ عرض کرنا ہے، تو سب سے پہلے ایک حج کی قسم ہے حج بدل۔ حج بدل یہ وہ حج ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے، بیمار ہے، یا وہ فوت ہو چکا ہے اور حج نہیں کر سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی طرف سے حج کرنے کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔ حج بدل ہو سکتا ہے اور عمرہ بھی بدل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک مقروض آدمی فوت ہو جائے تو کوئی بھی دوسرا آدمی اس کی طرف سے قرضہ ادا کر سکتا ہے، کوئی مسلمان بھی کسی دوسرے کا قرض ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حج ہے حج بدل، کوئی مسلمان